अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। 7:30 बज रहे हैं। मैं मोहम्मद अली के लिए मिल्क शेक बना रही थी अभी, क्योंकि उससे सुबह नाश्ते में कभी कभी जो है ना कुछ खाने का दिन नहीं चाहता, तो इसलिए फिर मैंने दिल में सोचा कि मैं उसे मिल्क शेक ही दे देती हूँ। बस अभी मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ, और आज मैंने कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि इसलिए कि आज हमने किंग ब्रोस्ट जाना है। मोहम्मद अली को और सुकैना को लेकर हम जाएंगे किंग ब्रोस्ट, और वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी थी वहीं से, तो फिर दिल में सोचा कि वहीं पर जो है ना किंग ब्रोस्ट चले जाएंगे और डिनर हम वहीं कर लेंगे। और यहाँ पर बस मैं शेक रेडी कर रही हूँ। मैंगो लिया था और शुगर ली थी और मिल्क लिया था तकरीबन 1.5 कप मैंने जी। मिल्क शेक वगैरह रेडी करने के बाद फिर मैं मोहम्मद अली को दे दूँगी, और उसके बाद सारा काम कंप्लीट करूँगी अपने घर का, और जब मोहम्मद अली आएगा तो उस टाइम फिर हम नाश्ता करेंगे। अभी मैं तो मिल्क शेक ही इंजॉय कर लूँगी ना, तो इसलिए कि फिर मोहम्मद अली आता है फिर तभी पराठे वगैरह बनाती हूँ या जो भी ब्रेड वगैरह खानी हो, फिर नीचे से अबिया को भी बुला लेती हूँ, साथ में सुकैना भी हो जाती है, फिर सब हम लोग बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। बीच में जब हस्बैंड उठते हैं तो फिर हस्बैंड को बना के दे देती हूँ नाश्ता। हस्बैंड कभी कभी नाश्ता करते हैं, और कभी कभी जो है वो उनका मूड नहीं हो तो वो फिर ऑफ़िस में ही जाके नाश्ता कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा रिलीव मिल जाता है। और व्यूवर्स, चैनल पर ज़रूर आप लोग जाके विज़िट किया करें और बताया करें कि आप लोगों को मेरा चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अली का मिल्क माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, और अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे। एक अच्छा बेटा है वो, बहुत हर चीज़ मेरी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में, चैनल से रिलेटेड वैसे भी हर तरह से मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिंग। अल्लाह ताला हमेशा उसे लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन जी। बस अभी जो जूसर हुआ था जूस बनाने के लिए, बस वही था, तो मैंने दिल में सोचा कि मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करके रख दूं, क्योंकि आपको पता है व्यूवर्स, फिर जो है चैनल से जो है रिलेटेड जो भी काम वाम होता है उसमें फिर आपको पता है सब चीज़ें क्लीन रखनी पड़ती हैं इंसान को। अगर ज़्यादा आप लापरवाही करो तो फिर सारा मैस क्रिएट हो जाता है, बाद में भी खुद ही करना है। तो आपको पता है कोई मैंने हाउस हेल्प तो रखी हुई नहीं है, बस सारा कम्प्लीट जो भी काम होता है वो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। ऊपर वाला पोर्शन भी है, नीचे वाला पोर्शन भी है, और बस कुछ चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो बस मैं आप लोगों को अपना होम टूर भी दूंगी, क्योंकि आपको पता है थोड़ा 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 करके ही घर बनता है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो तकरीबन 1 ईयर हो गया है हमने बनवाया था, और बीच में अम्मी जो है फौत हो गई थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो बस उसकी वजह से फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना मेरी सेटिंग वाले रुक गए, तो बस जैसे ही कम्प्लीट होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं ज़रूर दिखा दूँगी। और व्यूवर्स, आप लोग ज़रूर बता दिया करें कि अगर कोई मेरी मिस्टेक होती तो कमेंट्स किया करें। आप यकीन करो व्यूज़ तो इतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन बस जो है कमेंट्स नहीं आ रहे होते हैं, इतना दिल दुखता है यार, इतने सारे लोग देखते हैं, कम से कम यार बंदा एक कमेंट या दो कमेंट या तीन कमेंट कर दें, बहुत ज़्यादा 12 या 13 कमेंट्स आते हैं मुझे। और बस यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया काम, और बस अब मैं डाइनिंग टेबल पर जाके बैठूँगी। यहाँ मैं डाइनिंग टेबल पर आ गई हूँ, और बस अब यही है मेरा अपना टाइम है जो मैं अपने साथ इंजॉय करूँगी। अब ये मिल्क शेक पीऊँगी और स्लो स्लो मिल्क शेक पीऊँगी, और थोड़ा सा मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के देखूँगी जी। और यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अली आ गया था, फ्रेश भी हो गया था, फिर मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया जल्दी जल्दी से, और नीचे से फिर अबिया को भी बुला लिया, और सिस्टर के घर पे सुकैना चली जाती है, तो वहाँ पे से फिर उसके बाद जब भी वो ऊपर आए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि साथ में उन लोगों का नाश्ता भी बना लेती हूँ, और पानी वानी यहीं पर रख दिया था ताकि जो है सब जो है वो बच्चे आपको पता है बाद में काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। बस अब हम लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे, और उसके बाद फिर मैं घर के बाकी के काम करूँगी, और जो खाना वाना थोड़ा बहुत हस्बैंड के लिए रेडी करना है वो करूँगी उसके बाद। और हम लोग अभी किंग ब्रोस्ट आ गए थे, और बस क्या कहते हैं, कुछ सामान लेना था घर से रिलेटेड, और कुछ ग्रॉसरी करनी थी, पहले वो की, और उसके बाद फिर हमने दिन में सोचा, हमें भूख भी लग रही थी, हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम लोग जाएँगे, तो हम लोग जो है किंग ब्रोस्ट आ गए थे, और बस अभी जो है फैमिली हॉल है ऊपर, वहाँ जाएँगे। और अभी जो है मैं मेन्यू मैंने मंगवा लिया था, ऑर्डर देने लगी हूँ मैं, क्या कहते हैं,
वैसे तो हमने क्या कहते हैं जो है ब्रोस्ट ही खाना है, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि चीज़ी बर्गर भी यहाँ का अच्छा होता है। और ये देखें सुकैना, यहाँ पर सुकैना जो है हमने रास्ते में से फ्रूट्स वगैरह लिए थे, तो सुकैना टेबल पे बैठ गई और वो ग्रेप्स इन्जॉय कर रही थी। तो मैंने दिल में सोचा आप लोगों से क्लिप शेयर करती हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितनी क्यूट लग रही है। टेबल के ऊपर बैठ गई और बार बार ग्रेप्स निकाल निकाल के माशाल्लाह से खा रही है। और यहाँ से अभी जो है वो ऑर्डर में टाइम था ना, तो फोक ले लेके बार बार अपने भाई को तंग करने में लगी पड़ी है। कभी उसको तंग कर रही है, कभी उसको छेड़ रही है, कभी फोक से जो है ना उसके साथ शरारतें कर रही है, कभी फ्रूट्स निकाल निकाल के फैला देती थी। बस जब तक ऑर्डर हमने दिया हुआ था तब तक अब बस यही करती रही है। और बस अभी जो है हमारा ऑर्डर आ गया है, ये देखें हमने ब्रोस्ट मंगवाया था और चीज़ी चिकन बर्गर हम लोगों ने मंगवाया था और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी थी। और बस अभी हम लोग ये इन्जॉय कर रहे हैं और थोड़ी गपशप कर रहे हैं, साथ में मैं और मोहम्मद अली कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं मोहम्मद अली और सुकैना। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बस ये देखें ये बर्गर मैं खा रही हूँ और मज़े ले लेके, और बहुत अच्छा बर्गर था यहाँ का ना। और ये कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे साथ साथ में। सुकैना बार बार तंग करती, कभी नीचे बैठती कभी ऊपर बैठ जाती थी, और ये कोल्ड ड्रिंक पे कब्ज़ा करके बैठी हुई थी और मुझे पीने नहीं दे रही। ये देखें ले ली इसने कोल्ड ड्रिंक ना, और बार बार सिप ले रही है, बार बार सिप ले रही है। कभी बोल रही है कि मामा ये वाली कोल्ड ड्रिंक, कभी बोल रही है भैया वाली कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर ये देखें इसकी शरारतें, बस अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे। बहुत ज़्यादा शरीर है, आप यकीन करें 10 बच्चों के बराबर ये एक बच्ची। और उसके बाद बस अब हम लोगों ने डिनर ख़त्म कर दिया और बस जी बस अब हम लोग वापस जा रहे थे। और व्यूअर्स चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कर लेंगे, आप लोगों को मेरा चैनल होम स्वीट होम कैसा लग रहा है। और बाहर सुकैना को एक टॉयस पसंद आ गया था, हमें गरीबों की भी हेल्प करनी चाहिए, इस तरह से उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और व्यूअर्स मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।